अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नॉर्थ इंडियन स्टाइल मिक्स सब्ज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 2 टीस्पून। अब इसमें मैं डालूंगी एक बड़ी प्याज कटी हुई, एक टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्च, लहसुन 3, अदरक 1 इंच की और 5 से 6 काजू। इसको हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे कर लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और इसे ठंडा होने रख दूँगी। अब मैं इन सबको एक ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से ब्लेंड करके हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करके भी ब्लेंड करूँगी ताकि अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब मैं ले रही हूँ एक डीप पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 1/2 कप। सब्जियों में हमें चाहिए फूल गोभी 1/2 कप, बीन्स की फली यानी कि फ्रेंच बीन्स 5 से 6 एक इंच के कटे हुए, फ्रेश मटर 8 से 10, एक गाजर रफली चॉप्ड, कैप्सिकम क्यूब्स में कटा हुआ और एक आलू क्यूब्स में कटा हुआ। तेल गरम हो गया है, अब मैं इन सारे सब्जियों को तल लूँगी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। उसी सेम पैन में मैं पनीर को भी तल लूँगी हल्का सा, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए। इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। उसी सेम पैन में हमें एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा और ये प्याज, टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। मैं जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके भी डाल रही हूँ ताकि पूरा मसाला आ जाए। ये मसाले ऑलरेडी पक चुके हैं, हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट तक सॉटे कर लेना है। बीच में हमें चमचे को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से चिपके ना और मसाला जले ना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे जायका, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। मिला लीजिए इन सबको। मसाले अच्छे से मिल चुके हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही 2 टीस्पून।
अच्छे से विस्क किया हुआ थोड़ा सा पानी, अब मैं इसे कवर करके कुक करूंगी 2 से 3 मिनट तक। मेक श्योर कि ये नीचे से चिपके ना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राइड वेजीज और पनीर। सब्जियों को और पनीर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी पानी 1/2 कप, ताकि हमारे सब्जी अच्छे से गल जाए। अब मैं इसे कवर करके कुक कर रही हूँ जब तक कि हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाए ग्रेवी की। ये देखिए पानी अच्छे से सूख चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। थोड़े से कसूरी मेथी मिला लें इन सबको। ये देखिए साइड से ऑयल छूट रहा है, हमारी मिक्स सब्जी तैयार हो गई है। आप इसे पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर प्लेन राइस या फिर ज़ीरा राइस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये मिक्स सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनती है, रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर आप घर पर ही इसे बना सकते हैं। आप इसे एक बार ट्राई करके देखें, आप फिर कभी रेस्टोरेंट्स में ये ऑर्डर नहीं करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।